एक्साइटेड हूँ क्योंकि जी से बहुत गहरा नाता है मेरा पिछले कई साल से, और एक परिवार का हिस्सा मैं मानता हूँ, जी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ मैं भी। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं किसी ना किसी एक बहुत ही ख़ास तरीके से इस परिवार का हिस्सा हूँ। और आज चूँकि 25th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम सब के लिए, जी परिवार के लिए बहुत बड़ा एक मौका है, बहुत बड़ा उत्सव है, तो बस एंजॉय कर रहे हैं। सर नॉमिनेट हुई है और अपने पहले बड़े अच्छे शो में, एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम हियर फॉर हर, एंड ऑफ कोर्स मेरी वाइफ है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं भी इसी प्रोफेशन से हूँ और इसके लिए ये सब एक नया एक्सपीरियंस है। सो आई वांट टू बी अ पार्ट इसके इस एक्सपीरियंस में, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हर एंड मेनी मोर सच नॉमिनेशंस टू हर बिकॉज शी इज़ अ फैबुलस एक्टर। और कैटेगरी आप खुद बताइए और अपने शो के बारे में भी कुछ बताइए। मैं उसी कैटेगरी में नॉमिनेट हुई हूँ जिस द रोल दैट आई एम प्लेइंग अ मदर, तो मैं बेस्ट माँ के कैटेगरी में नॉमिनेट हुई हूँ और आई गेस मैं अच्छे से निभा पा रही हूँ तभी मुझे नॉमिनेट किया गया। तो आई होप आई कैन कन्विंस पीपल दैट आई कैन बी अ गुड मॉम। मेरे घर पे मेरी मम्मी ये सुन के बड़ी खुश हुई है कि इसको बेस्ट माँ के उसमें नॉमिनेट किया गया, सो बड़ी अच्छी, वेरी गुड, यू आर लर्निंग फास्ट। हाँ, हमारा नया शो आ रहा है दिल ढूंढता है 21 सितंबर से 10:30 PM एंड वी आर वेरी 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 एक्साइटेड एंड अपेरेंटली दिस इज माय फर्स्ट एवर शो इन हिंदी, सो मैं डेब्यू कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, जी के साथ नया रिश्ता है और मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा देर स्क्रीन से दूर रहना आई डोंट लाइक इट, एंड जो भी हमारा शो है वो बोला जाए तो मैं बहुत कुछ ऐसे नहीं बोलूँगी कि इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट एंड आई थिंक इट विल कनेक्ट टू विद द ऑडियंस। सर बहुत ही खास रिश्ता है, एक साल ख़त्म हो चुका है, दूसरे साल की शुरुआत है एंड आई बीन लकी इतना रिकग्निशन मिला, पूरी ऑडियंस है और जो भी सच अ गुड प्लेटफॉर्म आई गॉट फ्रॉम जी, सो बहुत ही खुश नसीब हूँ। वैसे दूसरी शाम है हमारी, पिछले बार हमारा शो यहीं से लॉन्च हुआ था तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है हमारे लिए, सेकंड टाइम, सो यार बहुत सारे मेमोरीज हैं। ये हम दूसरी बार परफॉर्म, हमने पहले जी रिश्ते अवार्ड्स में भी परफॉर्म किया था, मैं तो हाथी के ऊपर मैंने एंट्री मारा था, इस बार तो शीन के साथ एंट्री मारी है, सो यार बहुत सारे यादें जुड़ी हैं जी से और जी रिश्ते से, तो होपफुली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की शाम में। हमारे शोज़ की जो नॉमिनेशंस है, बहुत सारे नॉमिनेशंस हुए, मैं नॉमिनेटेड हूँ, तो ऑफकोर्स अगर जीतता हूँ तो ये मेरा पहला अवार्ड होगा, तो ऑफकोर्स मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटमेंट मेरी परफॉर्मेंस भी है और मैं बरेली की बर्फी का गाने पे परफॉर्म कर रही हूँ, के गाने पे परफॉर्म कर रही हूँ, और भूतू एक बहुत स्पेशल शो है, बहुत अच्छा शो है और आई जस्ट होप वो भी नॉमिनेटेड है बेस्ट शो में, इतनी जल्दी शायद ना मिल पाए अवार्ड, लेकिन या आई एम हैप्पी कि इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है इस शो को। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो ये एक्चुअली हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई रियलिटी शो इवन जो सास बहू के शोज आते हैं उनसे भी ऊपर गया है, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हमारा शो सारेगामा पा नंबर वन इंडियन टेलीविजन शो हो गया है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो सेलिब्रेटिंग, एंड आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग, तो मैं मेरे कुछ गाने परफॉर्म कर रही हूँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है के लोग इतना प्यार दे रहे हैं शो को, और टेलीविज़न पे हमारा नंबर वन शो चल रहा है और इसी की वजह से शायद इतने महीने हमारा शो एक्सटेंड भी होता जा रहा है, और जी रिश्ते का ये बहुत ही स्पेशल ईयर है, 25वां जन्मदिन है जी टीवी का, सो हैप्पी बर्थडे टू जी, जिसमें से आई थिंक कुछ करीबन 10 साल मैं भी जी के साथ जुड़ा हूँ सारेगामापा के ज़रिए,
और यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जी परिवार आगे बढ़ता रहे और आपके घरों तक, आपके दिलों तक पहुंचता रहे और उसका भी हम एक छोटा सा हिस्सा बने रहें। सी रिश्ते अवार्ड्स के लिए एक्चुअली हर अवार्ड्स के लिए एक्साइटमेंट होती है हर एक्टर को ऑफ कोर्स, बट आज एक अलग तरह की एक्साइटमेंट थी बिकॉज दो इट इज़ अ जी टीवी अवार्ड, बट नागिन को एक स्पेशल अवार्ड मिला आज एंड इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई बिकॉज यू नो यूजुअली हर चैनल अपने शोज को नागिन को एक स्पेशल अवार्ड दिया विच वॉज रियली नाइस, सो आई वॉज रियली रियली हैप्पी। ऑल्सो जी रिश्ते की 25वीं सालगिरह है, उसके लिए मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी एंड इसलिए भी मैं एक्साइटेड थी। देखिए मेरी तो जिंदगी एक, जब बचपन से मैंने पहला रुपया कमाया तो जी टी वी से कमाया, क्योंकि मैं एक सीरियल प्रोड्यूसर था कंपोज़र बनने से पहले, तो ये 700 गाने जो मेरे आए उससे पहले मैं एक सीरियल प्रोड्यूसर था जब मैं एक बच्चा था, और फिर भी मुझे जी टी वी ने मौका दिया सीरियल प्रोड्यूस करने का, और 7 ब्लॉकबस्टर हिट सीरियल्स मेरे जी टी वी पे आया एज ए सीरियल प्रोड्यूसर, जिसमें मैंने गाने कंपोज भी किए। मुझे ब्रेक मिला म्यूज़िक देने का फिल्मों में सलमान भाई के ज़रिए, तो जी टी वी का बहुत बड़ा हाथ है मेरी करियर में, बिकॉज़ एक पहले रुपए की कमाई जी टी वी पे एज ए सीरियल प्रोड्यूसर यहीं से हुई, और साथ साथ मेरे जो 11-12 रियलिटी शोज़ हैं उसमें से बहुत ज़्यादा शोज़ एज अ जज जी टी वी के साथ है, और ब्लॉकबस्टर हिट रहे हैं सारे गामा का हमारा जितने भी सीजन्स हमने किए हैं। तो जय माता दी लेट्स रॉक जो हमारा रिश्ता है जी के साथ, आज जी रिश्ते अवार्ड्स पे आकर बहुत खुशी हो रही है, और बहुत बहुत बधाई सुभाष जी को और पुनीत जी को जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इतने सालों में जो आज 25 ईयर्स में एक एक दिन एक एक घंटा, मैं अभी जब बैक स्टेज पुनीत जी के साथ था तभी भी मैं वही बात कर रहा था कि बहुत मेहनत बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया है एंड हैट्स ऑफ टू देम। जी टी वी मेरी डेब्यू चैनल है, मेरा फर्स्ट शो एक्टिंग का पहला चांस मुझे जी टी वी से मिला है, तो एक पुराना रिश्ता है, 25 साल जी टी वी को हो गए हैं और जी के साथ साथ एक यहाँ 20 साल से हूँ और रेड कार्पेट पर हूँ जी के साथ, सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने सालों के बाद वापस जी परिवार में आना और ये एहसास दिलाना कि भले ही हम कहीं और काम कर रहे हो फिर भी हम जी परिवार का हिस्सा हैं, तो ये फीलिंग एक बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा सब नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, छोटी बहू डेज वाले सब यादें वापस आ रही है। Excited हूँ, एक्चुअली दिस इज माई फर्स्ट जी रिश्ते अवार्ड एंड आई एम नॉमिनेटेड इन सो मेनी कैटेगरी, सो आई एम रियली होपिंग कि टुडे आई विल गेट एन अवार्ड एंड आई रियली होप दैट ही गेट्स वन, और आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। इट्स फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद, एक्चुअली सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम वॉज वेन जी ब्रॉट मी टू बॉम्बे फ्रॉम डेली जी सिनेस्टार्स की खोज के थ्रू, और अब मेरा उनके साथ ये सेकेंड टाइम कोलैबोरेशन है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आज बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है और हम उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं, सो आई एम एक्साइटेड एंड आई एम नर्वस। सबसे पहले तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ जी टी वी को सिल्वर जुबली पूरी होने पर, और दूसरी बड़ी खूबसूरत बात, जितना पुराना जी है उतना ही पुराना मेरा जी के साथ रिश्ता है, क्योंकि जी का पहला शो तारा था और जी के साथ पहले शो तारा में भी मैंने काम किया और अब तक तकरीबन 12 शो में मैंने काम किया है, तो बहुत मज़ेदार रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। बिल्कुल 25 ईयर्स हो गए हैं और उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी रिश्ते अवार्ड में मैं तो हर साल आती हूँ और जी से एक रिश्ता बना है, जी के साथ काफ़ी शो किए हैं एंड जी की सीरियलें मुझे बहुत पसंद है, कुमकुम भाग्य है और बहुत सारे सीरियल्स हैं एंड अवार्ड लेते हैं, अवार्ड देते हैं एंड फैंटास्टिक। हाँ, 25 साल का जश्न है जी रिश्ते अवार्ड्स का, जी टीवी का, और ये बहुत बड़ी बात है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम इस मौके में आज सम्मिलित हो पा रहे हैं। विवेक ने जी टीवी की बहुत सी कहानियाँ सुनी है मुझसे, इनके शो की दुल्हन की मैं कभी देख नहीं पाया हूँ, बट आई हैव सीन स्निपेट्स, एक सीन दो सीन एंड व्हाट एन इनक्रेडिबल शो दैट वाज, इट वाज, हम अभी भी उसके बारे में, वेरी चैलेंजिंग,
ابھی بھی ہم اس شو کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں زی کا حصہ بنی تھی اور آج زی رشتے اواڈز کے آج اتنے اسپیشل ڈے پہ میں آ پائی ہوں. ایکسائٹیڈ ہوں, کافی پرانا رشتہ ہے زی سے. ناؤ دیٹ آئی ایم وِد سٹار بٹ سٹل ناؤ زی ہیز انوائٹڈ می, تو اچھا لگ رہا ہے, ایک نوسٹالجک مومنٹ ہے کیونکہ زی کے پاس واپس آنے کی بات, آئی مین زی ہیز بین مائی فیملی بہت اسٹارٹنگ سے اینڈ بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے زی نے میری لائف میں. Nice to be here and happy birthday ZTV, many more successful years. You know, I never left. Abhi main India's best judwa kar raha hu, to ZTV chahta hai ki main unse rishte bana ke rakhu. That's true. To hum khud hairan hain ki kya hone wala hai, because hum Tenali Rama se hain aur hum to Zee pe bhi nahi hain, but Zee naye rishte bana rahe hain dusre channelon se, to isliye hum bhi aa gaye hain rishta banane ke liye, and I hope, let's see kaisa banta hai rishta. زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, یہ میرا پہلا زی رشتے اوارڈز ہے, حالانکہ کبھی ایک اپرچونیٹی نہیں ملی زی کے ساتھ کام کرنے کی ابھی تک, بٹ آئی تھنک اٹس بیوٹیفل کہ انہوں نے ہم سب کو آمنترت کیا, ہماری ٹیم کو, اینڈ آل آف اس آر ہیئر ٹو سیلیبریٹ زی رشتے اوارڈز. کم آج کی کلر تھیم, بھائی کالے میں, میں سفید میں ہوں, سو وی آر بلیک اینڈ وائٹ. میں کیا بولوں, آپ کو تو پتا ہی ہے میرا کتنا اچھا اٹوٹ پوتر رشتہ ہے زی ٹی وی کے ساتھ. But yes, this time I'm here, I'm performing, I'm actually unveiling the logo for ZTV. 25 years complete ہوئے ہیں تو میں اپنی طرف سے ایک اس میں انپٹ دے رہی ہوں.